अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, देशों के तिलावत देशों के इबादत, देशों के तिलावत देशों के इबादत, रहूं बावजू में सदा या इलाही, रहूं बावजू में सदा या इलाही। आज हमारे साथ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शाहज़ेब हसन मौजूद हैं। इन्होंने माशाल्लाह मदनी हलके में शिरकत की, तो हम इंशाल्लाह इनसे आज सुनते हैं कि इन्होंने यहाँ फैज़ान मदीना आकर क्या महसूस किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब छोटा था तब से ही मुनव्वरा मस्जिद नाइजीरिया में कुरान शरीफ पढ़ने जाता था। दावत इस्लामी की तरफ हम शुरू से ही थे, यानी हमारी पूरी फैमिली। वैसे आज मैं इधर फैज़ान मदीना में आया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है आज जो मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है इधर, तो इससे बहुत सुकून मिला है दिल को। और जैसे फैज़ान मदीना का सुकून है, पहली दफ़ा इधर आया हूँ, इधर आके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और कुछ बातें सुनी जिन पे दिल कर रहा है कि अमल करें, बस आज से ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करें इन चीज़ों को, जिससे दिल को और ज़हनी सुकून मिला है। अच्छा लगता है कि इस ऐसे दौर में भी आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को भी बुलाते हैं, जो हम सोचते नहीं कि जब बचपन में पहले इमामा पहन के जाते थे मस्जिद, तो अब पहनते थे। बिल्कुल बताएं हमारे मदनी चला कि ना। पहले मैं मामा पहनता था, ये सफ़ेद सलवार कमीज़ ये पहन के आता था सुबह मस्जिद। अच्छा। आज का जो मदनी हलका था बहुत ही अच्छा था, जो हमारे हाजी साहब ने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मदनी चैनल ज़रूर देखें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये चीज़ आपको इंशाल्लाह अच्छा मुसलमान भी बनाएगी और अल्लाह की तरफ ज़्यादा लेकर आएगी। मैं हूँ शाहज़ेब हसन, पाकिस्तानी क्रिकेटर, मदनी चैनल देखते रहिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।